नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है चंद्रगुप्त, उसको करेंगे। साथ ही चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र और इसी नाटक के मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण कथन को करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे वो महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक करने से पहले हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं को हम देखेंगे यहाँ पे। तो जिसमें काव्य है, जिसमें उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोको उच्छ्वास 1910, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, प्रेम पथिक 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमाईनी 1935 की है। और ये बार बार एग्जाम में अनुक्रम में पूछी जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद के नाटक देख लेते हैं, जिसमें सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्राश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। स्कंदगुप्त नाटक भी हमने कर लिया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है संपूर्ण नाटक की सीरीज़ में, देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें इसके कथन भी हैं। और एक घूट 1930, चंद्रगुप्त जिसको आज हम करेंगे ये है 1931 की, ध्रुव स्वामिनी 1933, अग्निमित्र जो अभी अधूरा है, ये तो नाटक हो गए, उपन्यास है इनके, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936, ये भी महत्वपूर्ण है। कहानी इनकी देख लेते हैं, जिसमें छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्राजाल 1936 की है। निबंध इनके हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंधी। चंपू काव्य जो इनके हैं वो है उर्वशी, वरभुवाहन, ये दोनों ही चित्राधार में संकलित हैं। तो आज का ये जो एक सिंगल वीडियो जो है चंद्रगुप्त नाटक, इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अब हम चंद्रगुप्त नाटक करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये जो नाटक है 1931 की है। चंद्रगुप्त नाटक चार अंकों में विभाजित है, जिसमें हर अंक में अलग अलग दृश्य हैं और उन अलग अलग दृश्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं वो आज हम सारा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो प्रथम नाटक के प्रथम अंक में टोटल 11 दृश्य हैं और प्रथम अंक की जो शुरुआत होती है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ चाणक्य और सिंहरण से होती है। दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं और इसकी शुरुआत सिंधु तट पर ग्रीक शिवर के पास वृक्ष के नीचे कॉर्नेलिया से होती है। तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और इस अंक की शुरुआत विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ से होती है। और जो चौथा अंक है इसमें 14 दृश्य हैं और इस अंक की शुरुआत मगध के राजकीय उपमन में कल्याणी से होती है। तो चंद्रगुप्त नाटक में टोटल 13 गीत हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। और हर अंक में कितने दृश्य हैं ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम नाटक की शुरुआत कर रहे हैं। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। प्रसाद का उद्देश्य क्या है इस कहानी में, ये भी मैंने ले लिया है। पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों, जातियों, धर्मों आदि की निजताओं, स्वतंत्रता कामनाओं और अहंताओं को भुलाकर विशाल आर्यवर्त को स्वाधीन और अजय बनाना है, ये प्रसाद का उद्देश्य है। अब चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके जो मुख्य पात्र हैं पुरुष, जिसमें पुरुष पात्र हैं, पुरुष और महिला पात्र को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, जिसमें पुरुष पात्र में सबसे पहले चाणक्य आएंगे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट हैं, नंद मगध के सम्राट हैं, राक्षस मगध का अमात्य है, वररुचि कात्यायन है जो मगध का अमात्य है, शकटार मगध का मंत्री है, अंभीक तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण मालवा गणमुखिया का कुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप
छत्रपकार अर्थात होता है मुख्य। फिलिप्स जो सिकंदर का छत्रप जो मुख्य है, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है, नीसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है, देवबल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं, साइबर्टियस मैग्नास्थनीज यवन दूत हैं, और गंधार नरेश अंबिक के पिता हैं, सिलिक्यूज सिकंदर का सेनापति है, दंडायन एक तपस्वी है। तो ये तो सारे हो गए पुरुष पात्र जिनको आपने ध्यान में रखना है, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप आगे करेंगे नारी पात्र। नारी पात्र भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी शकटार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कर्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है, एलिस कर्नेलिया की सहेली है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य बिंदु को देखेंगे, जो एक ऐतिहासिक नाटक है, और चंद्रगुप्त नाटक की तीन जो घटनाएं हैं वो उल्लेख्य हैं इस नाटक में, जिसमें अलक्षेंद्र का आक्रमण है, नंदकुल की पराजय है, सेल्यूकस का पराभव है। पराभव मतलब हार, इसका अर्थ भी पराजय ही होता है। इस नाटक में राजनीति कूटनीति षड्यंत्र घात अघात प्रतिघात द्वेष घृणा महत्वाकांक्षा बलिदान और राष्ट्रीय प्रेम का भाव देखने को मिलता है इस नाटक में। नाटक में अतीत के कथा चित्रों के आधार पर वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश की गई है। नाट्य शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त नाटक अंगी रस वीर ठहराता है। तो ये तो हो गए चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य बिंदु इस नाटक को लेकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्दों में चंद्रगुप्त नाटक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, चंद्रगुप्त नाटक में एक और तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सूत्र संचालन है, और दूसरी ओर इनका इन सब से विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया है, शील वैचित्र भी आ गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी की क्या टिप्पणी है चंद्रगुप्त नाटक को लेके, ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पता पूछा जा सकता है, मैंने ले लिया है इसको। अगला जो है चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप भी चाहते थे कि मैं करवाऊँ, तो पर डे एक नाटक सबके लिए लेकर आऊँगी। तो इसमें जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक में टोटल कितने हैं, 11 दृश्य हैं। हर अंक के प्रत्येक दृश्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं उन सब को हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम दृश्य में देख लीजिए चंद्रगुप्त का जो कथन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे है अलका का कथन, प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, ये अलका का कथन है। आगे है सिंहरण का कथन, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वो दूसरों को लाभ पहुंचाता है या फलदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रथम अंक के पहले दृश्य के महत्वपूर्ण कथन है। आगे करें इससे पहले, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। अब प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में कौन से कथन बनते हैं वो हम देखेंगे। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, सुवासिनी का कथन है, ये भी पूछा जा चुका है। निकल मत बाहर दुर्लभ आह लगेगा तुझे हंसी का सीत, राक्षस का कथन है। अब तीसरे दृश्य में कौन सा कथन है वो देखते हैं। तुझे उलट दूंगा नया बनाऊंगा नहीं तो नाश ही करूंगा, चाणक्य का कथन है। चतुर्थ दृश्य में सुवासिनी का कथन है। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सुवासिनी का कथन है। पंचम दृश्य में देखिए
राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हमें लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। राक्षस का कथन है। षष्टम दृश्य में देखिए, तुम देशद्रोही हो, यौवन का कथन है सैनिक के प्रति। सप्तम दृश्य का कथन देखिए, यहाँ पे कौन सा बनता है? सप्तम दृश्य में चाणक्य का कथन, दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। चाणक्य का कथन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। चाणक्य का कथन, मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बंध सकता, ये भी चाणक्य का कथन है। अष्टम दृश्य में देखिए राजा का कथन, उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है, राजा का कथन है। नवम दृश्य में ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है। दशम दृश्य में चंद्रगुप्त का कथन है, भारतीय कृतघ्न नहीं होते। अगला 11वें दृश्य में देखिए, जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं, दंडायन का कथन है ये। देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, दंडायन का कथन है। अगला है द्वितीय अंक, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं जिसमें हर दृश्य में महत्वपूर्ण कथन है जिनको मैंने लिया है, जिसमें प्रथम दृश्य में देखिए कॉर्नेलिया का कथन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये भी पूछा जा चुका है। कॉर्नेलिया का कथन है, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता, चंद्रगुप्त का कथन है। दृश्य द्वित दृश्य में कथन देखिए चाणक्य का, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी, चाणक्य का कथन है। कल्याणी का कथन है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में लड़ सकता है परंतु मनुष्य को नहीं, तो कल्याणी का कथन है। तृतीय दृश्य का देखिए परतेश्वर का कथन है, धर्म युग में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं, जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्थानीय की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो, परतेश्वर का कथन है। आगे वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं, चतुर्थ दृश्य का कथन है चंद्रगुप्त का, युद्ध ही हमारी आजीविका है। पंचम दृश्य में अलका का कथन सिंहरण से, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारे आशा में है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह और किसको देना है हृदय चिन्हने की ना तनिक थी चाह, ये अलका का कथन है। षष्टम दृश्य में देखिए प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपति का होना आवश्यक है, चाणक्य का कथन है। सप्तम दृश्य में देखिए बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, वीरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती पढ़ने अवधि की रेख, अलका का कथन है। आगे अलका का कथन है, प्राधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। तृतीय अंक के पहले दो दृश्य में यहाँ पे देखिए कथन, जिसमें चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीतिक के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है, राक्षस का कथन है। कॉर्नेलिया का कथन क्या है, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंग भूमि, भारत भूमि भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है, कॉर्नेलिया का कथन है। आगे है, यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं, कॉर्नेलिया का कथन है। तृतीय दृश्य में देखिए सिकंदर का कथन, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय लेकर जाता हूँ। पंचम दृश्य में यहाँ पे देखिए जो कथन है, आज इस यौवन की माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। षष्टम दृश्य में यहाँ पे देखिए चाणक्य का कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। सातवें दृश्य में यहाँ पे
राजा प्रजा का पिता है, स्त्री का कथन है। नंद का कथन है, नंद नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम ना सही भय का ही सम्मान हो। नंद का कथन है ये। अष्टम दृश्य में देखिए चाणक्य के कथन। सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। चाणक्य का अगला कथन है, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही आंचल में छिपाए रहता है। आगे है चतुर्थ अंक। अब लास्ट अंक है ये। चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में देखिए कल्याणी का कथन है, सुधा सिकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। कल्याणी का कथन है। कल्याणी का कथन आगे है, पढ़ने में प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचलकर दबाकर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। कल्याणी का कथन है। चाणक्य का आगे कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, चौथे अंक के प्रथम दृश्य से है ये कथन। द्वितीय दृश्य में देखिए सुवासिनी का कथन है, मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। ये सुवासिनी का कथन है। सुवासिनी का आगे कथन है, तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो। आगे है सुवासिनी का कथन था ये। नेपथ्य से किसी का राग, किसी का गान है, कैसे बड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। नेपथ्य से किसी का गान है ये। चाणक्य का कथन है, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। चाणक्य का कथन है। चतुर्थ दृश्य में यहाँ पे देखिए, तृतीय दृश्य नहीं है क्योंकि उसमें कोई महत्वपूर्ण कथन नहीं थे। आगे चतुर्थ दृश्य में मालविका का कथन है, मधुप कब एक कली का पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। ये मालविका का कथन है। आगे है मालविका का कथन, बज रही वंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। तो मालविका का कथन है। आगे है, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। मालविका का कथन है। आगे फिर मालविका का कथन है, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते मनोहर राग। मालविका का कथन है। आगे देखिए यहाँ पे पंचम दृश्य में जो महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, जिसमें चाणक्य का कथन है, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। चाणक्य का कथन है। चंद्रगुप्त का कथन है, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक सुख और पतन की बारी आती है। चंद्रगुप्त का कथन है। आगे है, भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है। चाणक्य का कथन है। आगे अलका का कथन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वया प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमात्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका का गायन है ये। अलका का कथन है। आगे, स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं, ये अलका का कथन है। आगे सिंहरण का कथन है, मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सिंहरण का कथन है। आगे है, जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। सिंहरण का कथन है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है, राक्षस का कथन है। तर्क और राजनीतिक में भेद है, राक्षस का कथन है। मुझे दार्शनिक से तो विरक्त हो गई है, क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। सिलिकस का कथन है। सुवासिनी का कथन है, प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है वहीं तो प्रेम का प्राण है। आगे कर्नेलिया का कथन है, स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कर्नेलिया का कथन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुवासिनी का आगे कथन है, सखे वो प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। सुवासिनी का कथन है। कर्नेलिया का कथन है, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने को प्यासी हो जाती हैं, ये कर्नेलिया का कथन है। तो चलिए, ये थे महत्वपूर्ण कथन चंद्रगुप्त नाटक के चार अंकों में। हर दृश्य से महत्वपूर्ण कथन मैंने लिए थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।